जोधपुर में मौनी अमावस्या और शनिश्चरी अमावस्या पर नर्मदा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ रही। श्रद्धालुओं ने नर्मदा मैया में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित किया। गौरतलब है कि माघ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाई जाती है। श्रद्धालुओं की विशेष आस्था है, माना जाता है कि इस दिन मौन व्रत रखकर मां नर्मदा में डुबकी लगाने स्नान करने से विशेष पुण्य लाभ मिलता है। पुजारियों की माने तो माघ मास पुण्यदायी है, ऐसे में मौनी अमावस्या पर स्नान दान करने से बड़ा ही पुण्य लाभ प्राप्त होता है। मौनी अमावस्या है तो पूजा करने के लिए आए हैं। क्या महत्व रहता है मुझे ये नहीं पता। गंगा जी हो चाहे गंगा जी हो, मौन होके नहाया जाता है, नहा धो के पूजा पाठ किया जाता है और पंडित जियों को दान दिया जाता है। आज माघ मास की कृष्ण पक्ष अमावस्या है, आज मौनी अमावस्या के नाम से जानी जाती है। शनिवार होने के कारण शनिचरी अमावस्या भी है। आज मौन स्नान का गंगा जी में, नर्मदा जी में या पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व रहता है। प्रातःकाल मौन स्नान करते हुए, शिव जी का पूजन अर्चन करते हुए, ब्राह्मणों को दान पुण्य करते हुए श्रद्धालु पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। गौरीघाट माँ नर्मदा तटों पर सुबह प्रातः काल से ही भक्तों की काफी संख्या में मौन स्नान करते हुए पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जबलपुर से आशीष बाथरी की रिपोर्ट।